बिगड़ रहा है रिश्ता आपका और आपके पति का दिन प्रतिदिन, और ये जो बिगड़ रहा है रिश्ता, इसके सवरने की कोई गुंजाइश तक नहीं, क्योंकि हर दिन मामला केवल खराब हो रहा है, हर दिन बात बिगड़ती जा रही है। और ये जो बात बिगड़ रही है, ये कोई मामूली बात नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता अब समाप्त होकर ही मानेगा। पहले तो होती थी थोड़ी बहुत बहस, थोड़ी बहुत उलझने, झगड़ा होता था, गुस्सा होते थे, परंतु फिर बातें खत्म हो जाती थी। रात होती थी, अगली सुबह आते आते मामला शांत हो जाता था, लगता था चलो ठीक है, कल झगड़ा हुआ, आज सब कुछ ठीक हो गया। फिर घर में खाना बनने लगा, काम होने लगे, घर वाले बात करने लगे, परिवार में हंसी खुशी का माहौल हो गया। तब तक डर नहीं लगता था आपको, परंतु अब डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अब रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, दिन प्रतिदिन बहस ज़्यादा हो रही है। सुबह होती है, परंतु अगले जो पिछली रात में झगड़े हुए थे, पिछली रात जो बहस हुई थी, उन सारे झगड़ों और बहस को स्टार्ट करके ही सुबह होती है, यानी कि कुछ भी भूला नहीं जा रहा। घर में जहाँ पर भी आप कान देते हैं, केवल आपको आपकी शिकायत ही सुनने को मिलती है। सर लग रहा है जैसे इस घर में मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, आपकी बनाई खाने में खोट निकाली जा रही है, आपके किए गए काम में खोट निकाला जा रहा है। कहीं तो सुनने को आपको मिला है कि इसे घर पहुंचा दो, इसे लाने मत जाना, धीरे धीरे ये वहीं रह जाएगी, तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। कभी आपको किसी की बात का विश्वास नहीं होता, परंतु अपने पति का बात का विश्वास होता है, वो ये कहता है कि तुमसे उब गया हूँ मैं, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे, ये रिश्ते से थक गया हूँ मैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना मुझे, अब आगे मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम अपने घर चली जाओ, मुझे बख्श दो, मैं अब नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, ये छल था, ये शादी नहीं थी, मैंने पसंद से शादी नहीं की, मुझे तुम पसंद नहीं, तुम मेरे घर वालों के साथ मैच नहीं करती हो, तुम्हारी बातें अलग है, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इतनी सारी बातें होती हैं आपके जीवन में कि आपको एक बात तो तय है, आज टूटे या कल टूटे, ये रिश्ता टूट कर रहेगा। याद करती हैं आप अपने पिता को, अपनी माँ को, कितनी खुशी के साथ, कितने विश्वास के साथ आपके पति के हाथ में आपका हाथ दिया गया, ऐसा लगा जैसे कि अब वो लोग निश्चिंत हो गए कि चलो बेटी को घर मिल गया, वर मिल गया, अब आराम से वो अपना संसार बसाएगी, किस मुँह से मैं फिर से वहाँ जाऊँगी और कहूँगी कि ये रिश्ता टूट गया। समाज आप पर उंगली ना उठाए, कहीं आपके पति पर उंगली ना उठाए, कहीं आपके ससुराल में सबकी इज्जत ना खराब हो जाए, इसीलिए हर चीज़ सह रही हैं आप, उनका गुस्सा सह रही है, क्रोध सह रही है, बिना मतलब के इल्ज़ाम सह रही है, और इस रिश्ते को केवल खींचे चले जा रही है। कुछ बहनें तो मुझे इतना मैसेज लिख रही है, मेल लिख रही है कि हमें पहुंचा दिया गया है मायके, और 4 साल 5 साल बीत गए हैं, कोई नहीं आया हमें लेने, ना खबर आती है। पहले तो कभी आते भी थे मिलने के लिए हस्बैंड, परंतु अब आपके हस्बैंड आते ही नहीं है मिलने के लिए, ना कुछ पता चलता है ससुराल में हो क्या रहा है, कहीं उनकी शादी तो नहीं हो गई, ना आपको कोई पूछता है, अगर यदि बच्चे हैं तो बच्चे को नहीं पूछता, आखिर ये क्या हो रहा है और आखिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। तो यदि आपके रिश्ते की कोई सर पैर नहीं रह गई है, सिर्फ दुनिया की नज़र में आप पति और पत्नी हैं, वास्तव में आप दोनों के बीच अब कुछ है ही नहीं, विश्वास ही नहीं, प्रेम नहीं, तो और क्या रहेगा, तब आज का यह उपाय आपके लिए आपको फिर से देगा दाम्पत्य सुख, आपके उजाड़ हुए जीवन में फिर से खुशियां आ जाएंगी, सुख बरसेगा, आपका पति पागलों की तरह आपसे प्रेम करेगा, जो देखना नहीं चाहता ना आपको, आपको देखे बिना 1 घंटा रह नहीं पाएगा, वीडियो कॉल करेगा, फोन ब्लॉक किया हो आपका और आप मायके में रह रही हो तो 10 मिनट के भीतर फोन अनब्लॉक करके वो आपको कॉल करेगा, कहेगा तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता, तुम आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। एक अद्भुत पति वशकरण बता रही हूँ, केवल एक नींबू, हाँ मैं कहती हूँ केवल एक नींबू, अपने शरीर के इस अंग पर 2 बूंद रस गिरा देना और मैं जैसा कहूँ बस इस नींबू से आप यह प्रयोग करके देखना, 10 मिनट के भीतर आपका पति आपका दीवाना ना हो जाए तो कहना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा आपका, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान चैनल ये प्लेटफॉर्म यही कार्य कर रहा है कि आपका घर ना टूटे, आपका रिश्ता ना टूटे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यह प्रयोग मंगलवार के दिन आपको करना है। एक नींबू खरीद कर लाना है और खुद करें। मेरी बहनों, आपको ये रिश्ता जोड़ना है, आप खुद करें, किसी से नींबू नहीं मंगवाना, आपको खुद चल कर जाएंगे, खुद लेकर आएंगे। एक नींबू लेकर आइए, इसे धोकर साफ कर लीजिए अच्छी तरह से। इस नींबू के दो भाग पर एक तरफ अपना नाम लिख दीजिए, एक तरफ हस्बैंड का नाम लिख दीजिए, पार्टनर का नाम लिख दीजिए। इस नींबू को आपको छुरी से काटना है, लेकिन ऐसा नहीं काटना है कि वो पूरी तरह से दो अलग हो जाए, ऐसा काटना है कि वो जुड़ा रहे, सिर्फ फट जाए ऐसे। बात समझ में आ गई? ये जैसे ऐसे फट जाता है, इसी के बीच आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। बहुत विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और तन मन धन से केवल अपने पति को स्मरण करना है। जब आप ये प्रयोग कर रहे हो, केवल उसका नाम, उसका चेहरा, वही आपके दिल और दिमाग पर छाया हुआ होना चाहिए। मानो हवा तक की भी अनुभूति आपको नहीं हो रही है कि हवा चल भी रही है या नहीं। मुझे केवल एक ही चीज चाहिए मस्तिष्क में, वो आपका पार्टनर होना चाहिए। दो भाग आपने नींबू का काटा, दो अलग अलग भाग किया, उस पर हल्दी डाल ली और उसको बंद कर दिया। अब आपको इस कटे हुए भाग को इतनी जोर से दबाइए कि अंदर हल्दी रहे और दो बूंद रस जमीन पर गिरे। केवल दो बूंद टपकाना है, आप दबाएंगे तो आएगा रस। दो बूंद जमीन पर रस गिरा दीजिए, वहीं छोड़ दीजिए रस। ध्यान से समझ लीजिए इस प्रयोग को। सिलाई वाला काला धागा लेकर आइए, सुई और धागा। इस नींबू पर सुई और धागे से 21 बार इसको धागे से लपेटिए और लास्ट जब लपेट ले तो कहीं से भी नींबू में सुई डालकर निकाल दीजिए एक जगह। माने 21 बार आपको धागा लपेटना है और अंत में सुई को नींबू में डाल देना है। सुई भी नींबू में ही रह जाएगी, निकालकर अलग से काटना नहीं है धागा। बात समझ में आ गई? इसे हाथ में ले लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो बोलिए, घर से निकलने वाली दिशा में जो इच्छा है बोली, मेरा पति वापस आ जाए, मुझे मायके से लेकर जाए। यदि आप ससुराल में रहती है, सम्मान नहीं देता वो आपको, तो कहिए कि वो आज से मुझे समझे, मुझे सम्मान दे, मुझे प्रेम मिले, यहाँ ओहदा मिले बहू का। आप जो इच्छा है वो बोलिए, वो मुझसे प्रेम करे, वो मुझसे जुड़ जाए। ऐसा बोल कर ये जो दो बूंद नींबू का रस आपने गिराया है हल्दी वाला, उस पर अपने कदम रखिए, खाली पाँव रखिए उस पर, और उसी पर रखकर आगे की ओर जाकर आप घर से बाहर निकलिए। और कोई भी प्रथम चौराहा आए, जो भी, चाहे कितने भीड़ भाड़ का चौराहा क्यों ना हो, सुनसान जगह नहीं देखनी आपको, कितने भी भीड़ भाड़ का चौराहा हो, जो प्रथम चौराहा आए आपके घर से निकलने के बाद, उस चौराहे पर इस नींबू को फेंक कर वापस चले आइए। मुँह से एक भी शब्द नहीं बोलना, ना जाते वक्त ना आते वक्त। पुनः आकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना, कपड़े बदल लेना, वो जो रस गिरा था जिस पर तुम चढ़कर गई थी उसे भी मिटा देना। यकीन मानो, ये दो बूंद नींबू तुम्हें जीवन में वो सुख देगा जो आज तक नहीं मिला। तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुम्हें बहू का ओहदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बस जाओगी अपने ससुराल में। अवश्य करें अपना अनुभव मेरे साथ भी, अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।